Hyundai Alcazar facelift के लिए जितने भी लोग वेट कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ये वीडियो को देखते रहो क्योंकि Alcazar के रेगुलरली रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और बेसिकली 6 से 7 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट अप टू डेट आ जाता है। तो उसी में से एक रिपोर्ट की, लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच टिल द एंड। हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर Alcazar फेसलिफ्ट के कई सारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के साथ में चीज़ें बताई थी कि कौन सी चीज़ें प्लेस करेगी गाड़ी के साथ में, क्या सिनारियोज हो सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की थी। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट है कि गाड़ी के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो रेगुलर हो चुके हैं और एक तरह से हमारे लिए ये गुड न्यूज़ इसीलिए होती है क्योंकि मीडिया सोर्सेज जब आपको रेगुलरली रिपोर्ट देते हैं तब ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि गाड़ी का लॉन्च बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो इसीलिए ये स्पेशल होने वाला है। खैर शुरू करते हैं और सबसे पहले इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस की अगर बात करें गाड़ी के साथ में, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि 1.5 लीटर टर्बो डीजल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल कंटिन्यू किया जाएगा। तो सेम चीज़ें जो है अभी चल रही है वही सेम चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा। 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर, IMT, CVT, वो सारी चीज़ें जैसे प्लेस थी वैसी ही रखी जाएगी। तो बेसिकली इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शन के अंदर नो चेंजेस विल बी अकर इन दी Alcazar फेसलिफ्ट, जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको ये बता रहे थे कि थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं आने के, लेकिन वो नहीं है। तो ये फाइनल हो चुका है कि गाड़ी के साथ में कोई भी चेंज आपको इंजन वाइज और गियरबॉक्स ऑप्शंस वाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो सेम रहेगा, सिर्फ टॉर्क और पावर को ट्विक किया जाएगा और शुरुआत और मतलब लॉन्च की बात करें तो मई से जून के बीच में होगी और 17 to 22 lakhs एक्स शोरूम तक जाएगी और मई एंड या फिर जून का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक जो होगा वो लॉन्च हो सकती है। 17 से 22 का मतलब सीधा यही होगा कि 23 के अराउंड आपको इसका डीजल का टॉप एंड वाला वेरिएंट मिलेगा और वो भी ऑटोमेटिक के साथ में। अगर बात करें तो ड्यूअल टोन आएगा या नहीं वो कंफर्म अभी तक नहीं है, एन लाइन के साथ में आएगी या नहीं तो वो आप कमेंट डाउन करके बताओ आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है कि Alcazar एन लाइन के साथ में लॉन्च करनी चाहिए Hyundai को या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये डील मिल रही है 23 लाख ऑन रोड के साथ में, इतने फीचर्स के साथ में, फीचर्स अभी हम बाद में अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या आप जाओगे 23 लाख को लेकर Alcazar फेसलिफ्ट की ओर, वो ज़रूर आप कमेंट डाउन करके हमें बताना। बाकी ये सारी चीज़ें थी लॉन्च डेट और प्राइसिंग के टर्म्स के अंदर और जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि बाद में बात करते हैं उस चीज़ के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। तो गाड़ी के साथ में आपको एग्जैक्टली कितने वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएंट्स के साथ में कितने फीचर्स होंगे उसकी भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले वेरिएंट्स की अगर बात करें तो वेरिएंट्स अभी जो आ रहे हैं मतलब प्लेटिनम, प्रेस्टीज, सिग्नेचर, जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे फीचर्स को एज इट इज़ रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ उसके अंदर ऑप्शनल वाला पैकेज है या फिर जैसे उन लोगों ने क्रेटा के साथ में किया SX टेक को ऊपर रख दिया SX ऑप्शनल के भी ऊपर, तो ऐसे ही इस गाड़ी के साथ में भी होने वाला है और श्योरिटी के साथ में ये चीज़ होने वाली है। तो इनफैक्ट अभी जो से मतलब जितने भी वेरिएंट्स चल रहे हैं Alcazar के साथ में उसके ऊपर 3 वेरिएंट्स आप एड ऑन करके चलो, उतना मान के चलो, तो उतनी चीज़ें होने ही होनी है गाड़ी के साथ में इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स ऑप्शंस। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है इन द रिपोर्ट्स। बाकी अभी जैसे जैसे लॉन्च नज़दीक आएगा वैसे और भी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के अंदर लैक हो, तो इस वजह से जैसे ही रिपोर्ट आता है वैसे ही वीडियो बन जाती है आपके लिए। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में वीडियो को कोई भी जज नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर फाइनली फीचर्स की बात करें तो फ्रंट के अंदर एक्सटीरियर में सबसे पहले बात करें तो रियर के अंदर टेल लैम्प्स आपको बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेंगे, फ्रंट का जो भी पार्ट होगा पूरा आपको बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलेगा, तो पहले की तरह क्रेटा से ज़्यादा सिमिलर देखने को नहीं मिलेगी और ये स्ट्रेंज चेंज है, मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा शॉकिंग चेंज होने वाला है गाड़ी के साथ में। बाकी रेस्ट ऑफ दैट मतलब जितने भी फीचर्स है क्रेटा के साथ में वो सारे फीचर्स को कंटिन्यू किया जाएगा, वेदर इट इज़ दी एडास और जो भी इंटीरियर के फीचर्स है कनेक्टेड कार टेक के रिलेटेड वो सारे फीचर्स को कंटिन्यू किया जाएगा Alcazar के अंदर। एक चीज़ जो कि चेंज होगी क्रेटा के कंपेरिजन में वो ये कि लेवल 2 का एडास आपको Alcazar के साथ में भी मिलेगा, लेकिन
उस लेवल 2 के एडास के अंदर जो फीचर्स होंगे वो क्रेटा के मुकाबले ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इसीलिए होंगे क्योंकि एल्केजार को कोई मतलब कंपटीशन प्रोवाइड नहीं करनी है हैरियर को, ना ही उसको क्विशाक के साथ में कॉम्पीट करना है, लेकिन इस गाड़ी को कॉम्पीट करना है XUV700 ऑलमोस्ट मतलब सफारी के साथ में कॉम्पीट करना है। स्कॉर्पियो एंड वहाँ पर मौजूद है, तो ये चीज़ों के चलते गाड़ी के साथ में जो है मतलब प्राइसिंग को भी अग्रेसिव रखा जाएगा, उसके साथ साथ फीचर्स को भी बढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से लेवल 2 के एडास के अंदर फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर मतलब गाड़ी के साथ में, एल्केजार के साथ में, एज कम्पेयर टू दी क्रेटा, एग्जिस्टिंग क्रेटा फेसलिफ्ट। तो ये सारी चीजें हैं एल्केजार के बारे में। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हो आप। बाकी फिलहाल के लिए इतना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।